सो हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। और ये है आज 27 जनवरी। तो देखिए यहाँ पे आज टेंट लग रहा है आदिल भाई के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इसके बाद आपको देखने को मिलेगा हल्दी का व्लॉग, जो कि मम्मी के चैनल पे देखने को मिलेगा। एंड इससे पहले व्लॉग आपने अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखे, आई बटन पे एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे हालांकि लड़के हैं ये भूरा भाई, तो यही टेंट का सामान लेके आए थे सब। एंड ये हो रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट, तो ये है छोला छोले कुलचे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो इधर है हमजा, मम्मी, खाला, अरसलान, मैं, तो हम सब हैं। और हम कहीं जा रहे थे जरा शॉपिंग करने, तो हम चले गए हैं ये खा के। तो हमारे साथ थे फैसल भाई भी, तो वो बोले चलो हम आपको छोड़ देते हैं आधे रास्ते तक, और आधे रास्ते के बाद वो चले गए। ये देखिए मम्मी के आगे ग्रीन टी शर्ट में फैसल भाई हैं, मैं हूँ और मम्मा है, तो हम गए थे कुछ सामान ले। हम गए थे चांदनी चौक, और यहाँ पे जुएब भी था हमारे साथ। तो चांदनी चौक हम गए थे और फैसल भाई हमसे पहले उतर गए थे, इससे पहले जो स्टेशन था तो वहाँ पे उतर गए थे। एंड यहाँ पे हम आ गए हैं मैकडी में, तो यहाँ पे हमने लिया था पनीर रैप एंड आई गेस मैक स्पाइसी बर्गर था, मुझे ये ध्यान नहीं है सही से। तो चांदनी चौक हम गए थे क्योंकि मुझे लेना था गोप्रो और कुछ कैमरे के एक्सेसरीज, एंड वहाँ पे बड़े चीप रेट्स एंड अच्छे प्राइस में आपको कंफर्टेबल रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो ये है कैमरा मार्केट, बिल्कुल इस SBI बैंक के सामने ही है। ये एक गली सी जा रही है, नैरो गली है बहुत, और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो वो सब गंदे हो गए थे। एंड यहाँ से हमने लिया है ये GoPro। हेलो गाइस, अब ये बच्चों ने मेरे पास से रिटर्न खरीदा है, और अभी नए नए ब्लॉगिंग तो करते हैं लेकिन मोबाइल से करते हैं, लेकिन उन्होंने अब ये GoPro कैमरा भी जो है ये मतलब ले रहे हैं। ठीक है, अब ये लो स्क्रीन बने हुए सीरीज की ओपन कर ली है, अब ये मैं इनको आपको खोल के दिखाता हूँ। और ये लो जी, इन्होंने ये Hero 10 कैमरा लिया है, ये देखो ये सील्ड पैक कैमरा है, ये देखो आगे से भी सील्ड है और पीछे से भी सील्ड है। ठीक है, बाकी सामान जो इसका बैटरी है, चार्जर वाकि सब इसके अंदर सामान है। अब इनको जो है मैं कैमरा पे टेम्पर्ड ग्लास लगा के इनको चेक करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके गाइस। एंड कैमरा लेके हम चले गए थे शूज मार्केट के जगह पे, उस जगह का नाम मुझे पता नहीं, मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। तो रिक्शे में हम जा रहे हैं, देखिए पूरी चांदनी चौक आपको दिख रही होगी कैसे एकदम गीली गीली सी हो रही है, मतलब रेनी सीजन हो रहा था। उस दिन हम अचानक चले गए थे एंड बारिश बहुत आई थी, तो मम्मी के शूज खराब हो गए थे तो अचानक हमें शूज लेना पड़ा। एंड ये गुरुद्वारा है अगर मैं आपको बता दूं। सो या कैसा लगा आपको चांदनी चौक जरा बताइए कमेंट में। वैसे तो बना ली थी रिक्शे से, तो गाइस वो है लाल किला मेट्रो स्टेशन। एंड और मैं और मम्मी, ये चांदनी चौक है, अब हम घर जा रहे हैं। चांदनी चौक से फिर हम आ गए थे मेट्रो स्टेशन पे, ये लाल किला मेट्रो स्टेशन है। एंड यहाँ से हम गए थे अपने घर वापस वजीराबाद।
तो शॉपिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो गई थी, तो अब हम वेट कर रहे हैं अपनी मेट्रो का कि जल्द। एंड वहां से आने के बाद बहुत देर रात तक खाना वाना खा के हम फिर से अपने निकल के थैली को गिन रहे थे क्या क्या आइटम्स है, वो रीचेक कर रहे थे। कुछ लेडीज मेहंदी लगा रही हैं, तो ये देखिए आदिल भाई बैठे हैं एंड इनकी ही शादी है। सो गाइस, दिस इज मॉर्निंग टाइम एंड द टाइम इज 5:13 और अभी हम सब कजन मैगी बना रहे हैं, कुछ कुछ कॉफी बना रहे हैं। हियर इज द मैगी और बाकी उधर बैठे हुए बोल रहे। तो दोबारा बनाना है तो हम नहीं जाग रहे हैं, बाकी सब घर वाले सो गए, तो चुपके से हम ये काम कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली घर के 5 बज रहे हैं रात के, और हम ये किचन में एंड 27th के दिन हम फिर से पार्टी करी थी, तो यहाँ पे सारे कजन्स हैं ये देखिए, एंड फिर से हमने मैगी बनाई थी सबने, और यहाँ पे जुएब भी आ गया एंड शाजिया भाभी हैं और कमर भाजी की लड़की है मंतरशा और अरसलान ने कॉफ़ी बनाई। एंड फाइनली द कॉफ़ी इज रेडी, द शेफ अरसलान। आज वैसे भी अरसलान ने बनाई है अपने हाथ से कॉफ़ी और हमने सबने मिलके मैगी बनाई है। तो अब कॉफ़ी का टाइम है, देखिए 2 प्लेट खा गए थे हम सब, 6 मैगी बनाई थी। उधर आपको दिखे होंगे मैगी के रैपर। अब ये है नेक्स्ट डे 28 एंड आमिर भाई और उनके फ्रेंड चांद भाई, हम अरसलान में और हमजादा शादी में हम गए थे सब लेने पटाखे, फायरवर्क्स लेने, क्योंकि शादी में अगर फायरवर्क्स ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम सब शॉपिंग करने आए थे एंड ऑफ कोर्स चांदनी चौकी आए हैं दोबारा, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे फायरवर्क्स लिए थे, वो आगे आपको पता चलेंगे कौन कौन से, क्योंकि मुझे तो इनके नाम भी नहीं पता है, तो अरसलान ही आपको बताएगा। एंड देखिए हमने फ्लेयर गन के वो भी लिए थे स्पार्कल एंड बहुत सारे बॉम्ब्स थे। मामा जी हाथों क्या कर दिया बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं। दो तो स्काई शॉट, ये दो स्काई शॉट, ये लड़ी है, ये लड़ी, ये रिफिलर्स की, ये स्पार्कल गन की रिफिल, हमारे वो है इसे आलू बम भी बोलते हैं, दिस इज आलू बम, ये छोटे वाले स्काई शॉट है हाथ में लेके बोल सकते हैं। ओके, और ये दो क्या है, 50 ये गोल वाले अनार है, अलग अलग तरह के, और वो पार्टी पॉपर है। तो ये सब संभाल लिया है हमने सब यहाँ से। फायरवर्क्स ले लिए थे हमने और चांदनी चौक से हम आ गए थे इधर जामा मस्जिद के पास, क्योंकि जामा मस्जिद और ये पास पास में ही है जगह, तो वहाँ से शॉर्टकट लेके हम आ गए थे कि चलो जल्दी जल्दी चलते हैं घर पे एंड अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा घर पे। तो
घर पे हमारा कोई इंतजार कर रहा था एंड यस वो है मम्मी का, ये है नया फोन हमने ऑर्डर पे मंगवाया था। तो मैंने सोचा चलो इसकी भी वीडियो बना लेते हैं अनबॉक्सिंग की, बड़े दिनों बाद कुछ अनबॉक्स करने को मिला था हमें। एंड उसके बाद हम चले गए थे टेरिस पे जरा पटाखे को या फायरवर्क को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अरसलान फायरवर्क को वो करेगा अभी। एंड बस यहाँ पे हमारा ये 26 और 27 का व्लॉग होता है। एंड अगर पसंद आए जो करें लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब व्लॉग्स को। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर माय लवली फ्रेंड्स, बाय बाय। एंड हल्दी के व्लॉग मम्मी के चैनल पे जरूर देखना।